हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं फार्मेसी डे। वैसे प्राउड है हमें कि हम फार्मेसी के स्टूडेंट हैं। और अभी क्लास के अंदर प्रैक्टिस चल रही है नुक्कड़ नाटक की, क्योंकि कॉलेज की तरफ से और सीनियर भैया लोग सबकी तरफ से, मतलब बाहर गाँव पर कोई है, एक्चुअली एग्जैक्ट जगह मुझे भी नहीं पता है, तो वहाँ पर हम लोगों का प्रोग्राम है, तो जाएंगे देखते हैं। वैसे मज़ा तो बहुत आने वाला है, इसलिए ब्लॉग में आखिरी तक बने रहिएगा। और अभी आपको अंदर चल के दिखाता हूँ कि नुक्कड़ नाटक का कैसा प्रैक्टिस चल रहा है। ये हमारे डायरेक्टर साहब। सर्जरी कौन करता है, दवा प्रिस्क्राइब कौन करता है? ये तो बहुत इजी है, डॉक्टर्स करते हैं। तो दवा कौन बनाता है? ये भी बहुत इजी है, दवा तो फार्मासिस्ट बनाते हैं। मैं भी फार्मासिस्ट ही बनूं। अरे बेटा, बनना है तो डॉक्टर या इंजीनियर बन ले, फार्मासिस्ट में क्या रखता है। जैसे कि आप लोगों ने नुक्कड़ नाटक का थोड़ा सा ट्रेलर देखा है, पूरा वीडियो आखिरी में मिलेगा, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा एंजॉय करिएगा। चलिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करना तो फुल लाइन है, ताकि हमारे ऐसे ही ब्लॉग आप लोगों के पास तक आते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ कुछ आ जाएंगे ना। बैनर नहीं, बैनर दो ना। बैनर अभी 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 कोई जरूरी नहीं, आओ ठंडा में खड़ा हो। अभी मैन रेनी बाकी है। यहाँ 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 यहाँ, उधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है। ओए ज्योति, उधर नहीं जाना, बस यही था। सही करो, हैप्पी फार्मासिस्ट डे टू ऑल ऑफ यू। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। फार्मासिस्ट दिवस की इस सुहानी दोपहर और सभी फार्मासिस्ट के नाम मैंने लिखी ये चार पंक्तियां इस उम्मीद के साथ कि यहाँ बैठे हर किसी के दिल को छू जाए मेरी ये बात। फार्मेसी इतनी आसान नहीं होती जितना लोग बताते हैं। फार्मेसी इतनी आसान नहीं होती जितना लोग बताते हैं। फार्मेसिस्ट को नहीं देते उतना सम्मान जितना एक डॉक्टर को देते हैं। पर जनाब डॉक्टर आपको दवा सिर्फ हमारी वजह से ही दे पाते हैं। अगर इतनी आसान होती फार्मेसी तो हर कोई महारथी होता। हाइड्रोक्सीक्विनोन जो लोग सही से बोल भी नहीं पाते, हम उसके स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म को भी समझ जाते हैं। ड्यूटी दोनों की एक सी है। हॉस्पिटल में वो भी नजर आते हैं और हॉस्पिटल में हम भी नजर आते हैं, फिर भी न जाने क्यों लोग भेदभाव दिखाते हैं। फार्मेसी इतनी आसान नहीं होती जितना लोग बताते हैं। केमिस्ट्री तक तो ठीक था। हम बायो केमिस्ट्री और फाइटो केमिस्ट्री को भी अपनाते हैं। हम पैथोफिजियोलॉजी और एचएपी तक को अपनाते हैं। सूटिक्स के टैबलेट और कैप्सूल देख के मस्त हो जाते हैं हम। इतना ही नहीं, मेडिसिनल केमिस्ट्री में तो हम खुद ही खो जाते हैं। लोग कहते हैं दबाव का नाम याद करना मुश्किल होता है। हम तो सारे दबाव के ऐसे याद भी याद कर जाते हैं।
फार्मेसी इतनी आसान नहीं होती जितना लोग बताते हैं। फार्मेसी इतनी आसान बिल्कुल नहीं होती जितना लोग बताते हैं। यूं तो मिलती है काफी दवाएं वृक्षों से और फूलों से, यूं तो मिलती है काफी दवाएं वृक्षों से और फूलों से। आप सब तो उसके नॉर्मल नाम ही जानते हो, आप सब तो उसके नॉर्मल नाम ही जानते हो। हमसे पूछिए कैसे फार्माकोग्नोसी में उसके साइंटिफिक नेम और सोर्स भी समझ जाते हैं। सिर्फ समझना ही नहीं होता जनाब, सिर्फ समझना ही नहीं होता जनाब, हमें उन्हें देखे बिना देखे कभी भी पूछ लिया जाता है और फिर भी हम बताते हैं। ड्रग मैकेनिज्म आसान नहीं, ड्रग मैकेनिज्म आसान नहीं। की राहें भूल गए जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हमें नींद उसी दिन आएगी जिस दिन देखेंगे आबाद तुम्हें, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुम्हें। बीमार है जो किस धर्म का है ना हमसे कभी यह भेद हुआ, बीमार है जो किस धर्म का है ना हमसे कभी यह भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। थैंक्स अ लॉट। इसके बारे में बताया, इसी वेला में आगे बढ़ते हुए मैं हमारे साथी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ जो कि मुंबई नाटक के द्वारा हमें तंबाकू के हानिकारक प्रकोपों के बारे में बताएंगे। आकर वो थक गया गाड़ी से आगे जाकर ठुक गया। अब आप ही बताओ भला उसकी बीवी बच्चों का उसके सिवा कौन रह गया। ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारे लोग शराब की वजह से जो परेशान होते हैं उनकी बीवियों का बुरा हाल हो जाता है। आइए आपको बताते हैं नशे की आफत। देखो हमारा लुक्कड़ नाटक। अल्लाह बोल और मुंह खोल, सबको बता नशा है क्या, इस आफत से सबको बचा। चलो वोट दे गला नशे का, चलो वोट दे गला नशे का, चलो वोट दे गला नशे का, चलो वोट दे गला नशे का। और तभी तो बात बनेगी सुन लो मेरे यार, नशा खोल कर जहरों में कर दे कालाचार। और तभी तो बात बनेगी सुन लो मेरे यार, नशा खोल कर जहरों में कर दे कालाचार। शीशे से शीशा टकराए यो भी हो अंजाम। सुन मेरे भाई, सुन मेरे भाई, सुन मेरे भाई, सुन मेरे भाई, कितनी बार बोला शराब नहीं पीना लीवर सड़ जाएगा रे भाई। सुन्य हो गया है तू, शून्य हो गया है तू, बात मेरी मान मेरे भाई। शराब तू अभी भी नहीं माना मेरी बात, चल तुझे दिखाता हूँ अपने देश के हालात। एक की लस्सी, दो की लस्सी, तीन की लस्सी, चार आगे मुझे नहीं आता बस पीने दो यार। सालू सालू खाना ला सालू, खाले खाना एक हफ्ते से ना लाया कांदा और ना ही कालू, और कहता है खाना ला दे तो जा कर ले काम, कमा ले पैसा। बड़ा है बेवड़ा कहीं का, दो पैसे कमाने की तो औकात नहीं है और मुझे अपनी रॉब जमाता है। तो पैसा पैसे क्यों करती, पैसे में क्यों मरती है। देखा भाई तूने, बीवी लाचार है, बच्ची बीमार है और पति का ऐसा हाल है। हाँ यार तू कर तो रहा है सही बात, ये ठहरे गरीब लोग अब इनकी आदत ही ऐसी है। चल ठीक, चलो कुछ और दिखाते हैं। मुझे पीने का शौक, ढाई सौ में की बोतल है ना मेरे भाई, इसको आदमी जो पीता है उठता नहीं, उठ जाता है।
अभी आए हैं। और कैसा रहा दिन आज का? चाचा दिन तो अच्छा था, बस कल रात मैंने टीवी में एक ऐड देखी। कौन सी है? उसमें दिखा रहा था से नो टू अल्कोहल। हैं जो का हो? शराब बंद करवाने की कुछ दवाई बता रहे थे। अच्छा हाँ। और फिर मैं टुन हो गया। का हो गए? टुन हो गया। सुन के टुन हो गए? अरे वाह भाई मजा आ गया। और बताओ आज का क्या प्रोग्राम है? आज पार्टी होगी अपने फार्म हाउस पे। सबको बुलाती हूँ, फार्म हाउस में पार्टी करते। देखा तुमने, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सब इस जो है दारू की लत से परेशान है, समझा तू? मैं नहीं मानता भाई ये सब। आओ तुम्हें दिखाते अपने देश के युवाओं का हाल। नहीं हुई यार, रात भर नींद नहीं। क्या हुआ तुम दोनों को? क्या बताएं, बहुत दिन से नया माल नहीं मिल रहा। राना पूरा खत्म हो गया। कॉलर को थोड़ा ऊपर चढ़ा के सिगरेट का धुएं का छल्ला बना के 2 बजे के बाद मैंने पी नहीं है। शराब बुरी चीज है, आओ मिलकर खत्म करते। एक बोतल तुम करो, एक बोतल हम करें। बोले आंखों से पिलाई तो हो गया। आई लग माल कैसा है? अच्छा आ गया, एकदम मजा आ गया। मजेदार माल है। अरे अरे क्या हुआ? लगता है इसे ज्यादा चढ़ गई इसलिए बेहोश हो गया। अरे नहीं, इसे नशे का मर गया ये तो। मर गया? अरे भागो भाई, भागो। हाँ समझा तू, कह रहा था ना मैं शराब से लोग परेशान होते हैं। और आप सब भी समझिए, ऐसे ही ना जाने कितने औरतें अपने पतियों से परेशान हैं, ऐसे ही लोगों के बच्चे कितने बेघर होके अपने दर दर की ठोकरें खाते हैं। इसलिए कहते हैं ये लोग मौत के फरिश्ते इन्हें साथ लेकर जाएंगे, मौत के फरिश्ते इन्हें साथ लेकर जाएंगे। जन्नत ना तुमने हमने देखी और ये जहन्नुम की सैर कराएंगे। खैर छोड़ो, ये लोग ठहरे गरीब लोग, इनकी ऐसी ही रातें होती हैं। तो देखा आप लोगों ने, हमारे देश में ऐसे कई नौजवान हैं जो नशे की हालत से कितने परेशान हैं। हमारे देश में ऐसी कई संस्थान और सेंटर हैं जहां इन समस्या से हम अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं, सिगरेट सुलाने के लिए निकोटेक्स चिंगम का इस्तेमाल करें। और ये रही तो दूर की बात, अगर हम ठान लें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। और उस रास्ते पर जाना ही क्यों जहाँ गिरने का डर हो। जरा सा झूम लूं मैं, जरा सा घूम लूं मैं। क्यों भाई? भाई देख, हमने तो छोड़ दिए सिगरेट और तंबाकू के रास्ते पे जाना, अब तू भी छोड़ दे। इसलिए कहते हैं ना, नुक्कड़ से सुन लो मेरे यार, नशा घोल कर जहर रहूं मैं कर देता लाचार। नुक्कड़ से जब बात बनेगी सुन लो मेरे यार, आप सभी से निवेदन है कि आप ये सारी गलत रास्ते को छोड़ें और अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। तो मैंने एक पोएट्री लिखा था, कभी कभी कहीं निकल जाना चाहिए। हम लोग की लाइफस्टाइल इतने बिजी हो रखी है कि हम लोग खुद के लिए टाइम नहीं निकालते हैं। तो कुछ पंक्तियां हैं कि कभी कभी कहीं निकल जाना चाहिए, कुछ पाने या कुछ खोने नहीं, बस कहीं निकल जाना चाहिए। शांत एकांत में बैठ खुद से बातें करना चाहिए। हाँ शायद मुझे कभी कहीं निकल जाना चाहिए, कहीं नदी किनारे बहती लहरों से बातें करना चाहिए। हाँ शायद मुझे कहीं निकल जाना चाहिए, खुद की तलाश में निकल जाना चाहिए। दूर खुद की तलाश में, अपनी खामियों को खूबियों को ढूंढ उन्हें सवार में, अपनी गलतियों को ढूंढ उन्हें सुधार में, कभी कहीं निकल जाना चाहिए। हाँ शायद मुझे कहीं निकल जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। टेक्नोग्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की फार्मेसी डिपार्टमेंट की छात्रा, आप सभी के सामने एक कविता की कुछ पंक्तियां रखने जा रही हूं, जिसका शीर्षक है बेटी।
मत मारो मुझे गर्व में, मत मारो मुझे गर्व में, मुझे भी तो जीने का हक है ना पापा। मत मारो मुझे गर्व में, मुझे भी तो जीने का हक है ना पापा। माँ मुझे आप बचा लो, मुझे दुनिया देखने दो दरिंदो। माँ मुझे आप बचा लो, दुनिया देखने दो दरिंदो। क्यों करते हो भेदभाव, क्यों करते हो भेदभाव, क्यों करते हो अत्याचार। क्या कसूर है मेरा बताओ, क्या कसूर है मेरा। बहन चाहिए बहू चाहिए, बहन चाहिए बहू चाहिए, माँ चाहिए बुआ चाहिए, सब चाहिए, पर बेटी क्यों नहीं चाहिए, पर बेटी क्यों नहीं चाहिए। क्या हम इतने बुरे हैं, क्या हम इतने बुरे हैं जो दुनिया में आने से पहले ही मार देते हो, कि दुनिया में आने से पहले ही मार देते हो। खत्म करो ये पाप करना, खत्म करो ये पाप करना, मत करो अत्याचार। खत्म करो ये पाप करना, मत करो अत्याचार। माँ मुझे भी तो जीने का हक है, मुझे तो एक जिंदगी दे दो। हमें भी उड़ना है आसमानों में, हमें भी टेक्नोलॉजी के उपस्थित और विद्यालय के सभी शिक्षक टेक्नोक्रेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बहुत प्यारे प्यारे बच्चों और इस संस्था के सभी बच्चों, अभी निखिल ने जो पोएम बोली मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सच में मुझे भी लगता है कभी कभी कहीं निकल जाना चाहिए। क्योंकि 34 इयर्स ऑफ माय जॉब, 34 साल हो गए मुझे जॉब करते करते, तो बस इसी में उलझ के रह गए हैं। इसके अलावा कुछ है नहीं। सुबह 9 बजे निकले, घर पहुंच गए, उसके बाद जाने का मन ही नहीं करता है कि कहीं बटेली कहीं जरूर निकल जाना चाहिए। अनुपम ने जो प्रस्तुति थी बेटी, वाकई आज की इस बात को कोई नकार नहीं सकता। बेटियां किसी हैं, आज पुराने समय की वो बात बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल गलत है। माँ बाप को पालते हैं, आज बेटा को पालती हैं। बहुत एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। बेटे तो निकल लिए अपनी वाइफ के साथ, माँ बाप बूढ़े बेचारे घर में, उनको देखने के का हाथ करता, चाहे लाख परेशानी हाल में वो अपने ससुराल से भी लड़के अपने माँ बाप को तो जी, क्योंकि वो इस बात को समझती है। धीरे धीरे काफी चेंजेस आ गया है हमारे भी कि बेटा अंत कुछ मिटने लगा है। हाँ 100% तो नहीं है, मैं तो अरेंज मीटिंग लेती हूँ तो मेरी पहली बात यही रही, बेटा और बेटी में क्यों अंतर करते हो। यहाँ देखा हमारे यहाँ की बच्चियां पढ़ती हैं, बहुत पढ़ती हैं, बस बेटे हैं इसमें शायद इनको घर में मिलता है तो बेटा है तो थोड़ा ही जाते हवा में उड़ने लग जाते। समय समय पर मैं इनको नीचे उतार, कम नहीं होती है। आओ नाटक देखें, आओ आओ नाटक देखें। जिंदगी को जीने का पाठ हम पढ़ाएंगे, छोटी सी शुरुआत से कारवा बनाएंगे। हम सभी टीएटी के छात्र आपके सामने नतमस्तक होके विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारा नाटक देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा। लेख करके हम सभी टीएटी के छात्र आपके सामने पेश करने जा रहे हैं नुक्कड़ नाटक। साहिबान, कदरदान, दिल थाम के बैठिए। आइए एक ऐसा दृश्य देखते हैं जो आपके जीवन से जुड़ी हो। इसका शीर्षक है मैं हूँ फार्मासिस्ट। क्या होमवर्क मिला है बेटा? सर्जरी कौन करता है? दवा प्रिस्क्राइब कौन करता है? ये तो बहुत सिंपल है, डॉक्टर्स करते हैं। तो दवा बनाता है? ये भी बहुत सिंपल है, दवा तो फार्मासिस्ट बनाते हैं। ओ फार्मासिस्ट, तो पापा मैं भी फार्मासिस्ट ही बनूं। अरे बेटा बनना है तो डॉक्टर या इंजीनियर बनो, ये फार्मासिस्ट में क्या रखा है? बढ़िया।
जैसा कि आप सबों ने देखा क्या रोल है हमारे फार्मासिस्ट क्या रोल है हमारे फार्मासिस्टों के पिछले तीन सालों से इस ड्रग को बनाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ ना गवर्नमेंट साथ दे रही है ना परिवार साथ दे रहा है ना गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है हमको अरे मैं पागल हो जाऊंगा जैसा कि आप सबों ने देखा जो दवाइयां हमें मार्केट में आसानी से मिल जाती है उसमें कितने फार्मासिस्टों को कुर्बानी देनी पड़ती है बहुत दिनों से हमें तबियत खराब 10 या 15 दिन सेल आउट लिख थोड़ा लाउड बोलना है थोड़ा लाउड बोलो ये दवाई तो नहीं मिलेगी ये दवा मिलेगी क्या नहीं भैया ये दवा यहाँ नहीं मिलेगी डॉक्टर साहब ये दवा तो मिल ही नहीं रही है हम क्या कर सकते हैं तो कौन करेगा ये तो फार्मासिस्ट का काम है दवाई बनाना फार्मासिस्ट क्या है या कोई नाम है या कोई जिम्मेदारी है ये क्या है हाँ ये एक जिम्मेदारी है जिसे एक फार्मा अच्छे से निभाते हैं और सारे दुनिया को में मदद करते हैं बनाने का दवा को हम भले फ्रंटलाइन आर्टिस्ट नहीं है हम गुमनाह है पर हमें इस पर खुशी है कि हम एक फार्मासिस्ट हैं हम मेडिकल लाइन की एक मजबूत जड़े हैं अरे वो है अभी है कर लीजिए छोड़ दो भारत माता की जय भारत माता
गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पीछे ही भारत माता की जय। छोड़ दो राजा की लत को छोड़ दो। यहीं पे लाकर रुकना ठीक है। जय जय जय। यहीं पे रुकना भैया बस। तो दोस्तों फाइनली ब्लॉग को करते हैं यहीं पे। और कॉलेज से आके काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और अभी सो के उठाऊँ तो नीचे काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था, इसलिए ऊपर आना पड़ा वीडियो शूट करने के लिए। तो ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? थोड़ा सा भी इंजॉय किया हो आप लोगों ने ब्लॉग पे तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करना तो भूलना ही नहीं, ताकि हमारे ऐसे ही ब्लॉग्स आप लोगों के पास तक आते रहें। तो चलिए मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में।